कोई भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है और आप जिद पर अड़ गए हो और आपने उसको खरीद लिया है, तो आप खरीद कर अपने घर तो ले आओगे, और अगर वो अच्छा नहीं निकला तो सबके सामने अच्छा होने का ढोंग भी करोगे। कोई आपसे पूछेगा, आपके दोस्त या रिश्तेदार, तो आप बोलोगे प्रोडक्ट बहुत ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने मन में सोचोगे ठीक कहा है। खैर, आपके जो राइट साइड में रखा हुआ है यह बोट अवंतिवार 1350T जिसका पावर आउटपुट है 260 वाट, और आपके लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ज़ेब्रोनिक्स का 9400 प्रो डॉल्बी डिजिटल साउंड बार, और इसका पावर आउटपुट है 525 वाट RMS। अब जरा इन दोनों साउंड बार की शक्लों को ध्यान से देखिए और बताइए कि क्या कॉमन है। सबसे पहले डिजाइन में मैं बताता हूँ, दोनों ही साउंड बार सामने की तरफ मेटल ग्रिल मिल जाती है, लेफ्ट साइड पर अपनी अपनी ब्रांडिंग करते हैं, राइट साइड पर डॉल्बी ऑडियो का टैग लिखते हैं। सबवूफर की बात करें हम, दोनों में ही 6.5 इंच का सबवूफर है, हालांकि दोनों के जो बेस रिफ्लेक्स पोर्ट है वो अपोजिट साइड है, बोट का जहाँ पीछे की तरफ है, ज़ेब्रोनिक्स का आगे की तरफ है, लेकिन दोनों के सबवूफर का कैबिनेट का जो पिछवाड़ा है दोस्तों लगभग वो सेम है। अब उसमें आपको मल्टीपल कनेक्टिविटी ऑप्शन जैसे कि HDMI, ARC, ऑप्टिकल पोर्ट, AUX आपको तीनों मिल जाते हैं, और 5 चैनल्स को लगाने के लिए जगह। तो दोनों के जो सराउंड स्पीकर्स हैं, क्योंकि 5.1 चैनल स्पीकर्स हैं, दोनों ही सराउंड स्पीकर्स मिल जाते हैं दोनों में आपको, दो और वो वायर्ड है। रिमोट दोस्तों देखने में तो सेम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, जरा यह ध्यान से देखिए, बोट का रिमोट है और ये दोनों में काम कर रहा है। बोट के साथ ज़ेब्रोनिक्स का कंट्रोल कर सकते हो, ज़ेब्रोनिक्स से बोट का कंट्रोल कर सकते हो, ये क्या चल रहा है? कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है पता नहीं क्या क्या सेम है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, साउंड बार के अंदर जो ड्राइवर साइज है 2.25 इंचेस के ड्राइवर साइज हैं, साउंड बार के अंदर 3-3 ड्राइवर आपको दोनों ही साउंड बार में मिल जाते हैं। अब हालांकि दोस्तों रिमोट के अंदर मैं एक चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा, रिमोट की सेटिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट है। बोट में आपको जहाँ सेंटर चैनल, सराउंड चैनल, बेस ट्रैवल का कंट्रोल के लिए अलग से बटन मिल जाते हैं, ज़ेब्रोनिक्स में ऐसा कुछ नहीं है। ज़ेब्रोनिक्स में एक सेटिंग का बटन मिलता है जिसको आप बार बार प्रेस करके इन सराउंड चैनल, सेंटर चैनल, बेस ट्रैवल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा ठीक नहीं है, बोट में थोड़ा सा कंफर्टेबल है वो। अब दोस्तों मेन चीज़ पर आते हैं, साउंड में, साउंड में भी कुछ सेम है क्या? ठीक है, सबसे पहले लाउडनेस की बात। लाउडनेस दोनों में इतनी है कि आपके कान खा जाएंगे दोनों, ठीक है। मतलब मीडियम साइज रूम में आप चला रहे हैं लिटरली, तो मैं बता रहा हूँ, जिनको बहुत ज़्यादा लाउडनेस सुनने की आदत है उनको तो पता नहीं, लेकिन मतलब जिनको थोड़ी सी कम लाउडनेस सुनने की आदत है, मीडियम लाउडनेस, तो अगर मीडियम साइज रूम में रखा हुआ है तो पक्का दोस्तों कान बंद कर लोगे आप, लाउड बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब कान खा जाएंगे 100% वॉल्यूम पर। कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं, कंट्रोल। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस ये है, अगर मैं बात करूँ 30%, 40% या 50% या 55% तक भी प्ले करने की, तो दोनों में से बोट की लाउडनेस थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, हालांकि 100% आने पे दोनों की लगभग सेम हो जाती है। तो पार्टी वगैरह करनी हो, एंजॉय करना हो, मेरे हिसाब से लाउडनेस काफ़ी, लाउडनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो होगी लाउडनेस की बात, अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट पार्ट बेस की। यहाँ दोनों ही साउंड सिस्टम बेस बूस्टेड साउंड सिग्नेचर के साथ आते हैं, लेकिन यानी कि दोनों ही साउंड सिग्नेचर, दोनों का जो साउंड सिग्नेचर मिलेगा ना आपको, वो मिड्स और वोकल्स के कंपैरेटिव जो बेस है थोड़ा सा ज़्यादा बूस्टेड है। लेकिन अगर मैं बात करूँ किसका ज़्यादा बूस्टेड है, तो बोट का, यानी कि बोट का थोड़ा सा और ज़्यादा बूस्टेड है। उसको लेवल में लाने के लिए आपको रिमोट से कम कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ फुल सेटिंग्स की बात कर रहा हूँ, बोट का कंपैरेटिव ज़ेब्रोनिक्स के थोड़ा सा बेस ज़्यादा बूस्टेड है। यहाँ दोस्तों मैं एक मेन इंपॉर्टेंट बात को हाईलाइट करना चाहूँगा, बोट के अंदर 50% वॉल्यूम पे और ज़ेब्रोनिक्स के अंदर 65% वॉल्यूम पे बेस सैचुरेट हो जाता है, यानी कि बोट के अंदर 50% वॉल्यूम पर और ज़ेब्रोनिक्स के अंदर 65% वॉल्यूम पर, यहां तक वॉल्यूम पे पहुंचने पर आपको जो बेस का परफॉर्मेंस मिलेगा वो पीक मिलेगा, इसके बाद आगे के जो वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो बेस में उतना मजा नहीं आने वाला है, उल्टा 100% पे तो बेस तो लगभग गायब सा हो जाता है, जो मैक्सिमम आउटपुट है इस वॉल्यूम लेवल पे या इसके आसपास जो मैंने फिगर बताया उस पे मिलेगा आपको, और ये डिपेंड भी करता है आप किस सोर्स से ऑडियो को प्ले कर रहे हो। देखिए दोस्तों क्वांटिटी वाइज की बेस की बात करें तो डेफिनेटली यहाँ बोट का ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी का क्या, क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्वांटिटी आपको सडन आप तुरंत सुनते हो कुछ चीज़ को तो इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन लॉन्ग रन में क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी काम आती है, या ये मैं बोलूँ कि क्वालिटी ज़्यादा काम आती है। तो चलो थोड़ा सा घुमाता फिराता नहीं हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ, क्वालिटी के मामले में यहाँ ज़ेब्रोनिक्स बेटर है, और उसके रीज़न है, नंबर वन रीज़न टाइटनेस, बेस जो है ज़ेब्रोनिक्स का थोड़ा टाइट है, जिसकी वजह से बेस में क्लैरिटी मिलती है, एक एक बीट बहुत अच्छे से समझ में आती है।
लेकिन दूसरी तरफ बोट में क्या है दोस्तों कि बेस बिखरा हुआ सा लगता है, एकदम जैसे किसी ने रायता फैला दिया हो इस टाइप से लगता है, बंधा हुआ नहीं है बेस, ठीक है, लूज लूज सा लगता है, और जिसकी वजह से क्लैरिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कि बीट जो अच्छे से समझ में आनी चाहिए ना गाने के बाद, एक बीट जो होती है अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो जैब्रोनिस में ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है कंपेरेटिव टू बोट। बात करें दोस्तों लोअर बेस की, तो वो भी यहाँ जैब्रोनिक्स में ज़्यादा बेटर मिल जाता है। मतलब लिटरली मैं आपको क्या बताऊँ कि जब मैं सॉन्ग प्ले कर रहा था जिसमें लोअर बेस अच्छा खासा था, तो ग्राउंड सीकिंग जो इफेक्ट है वो अच्छा आ रहा था जैब्रोनिक्स में कंपेरेटिव टू बोट। और दोस्तों एक और प्लस पॉइंट जैब्रोनिक्स का, जैब्रोनिक्स में अपर बेस थोड़ा कंट्रोल्ड है कंपेरेटिव टू बोट। बोट में कई बार ऐसा लगता है कि बेस बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, एक बूमी एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जो थोड़ा सा सर खाता है। जैब्रोनिक्स में अच्छी चीज़ है, कंपेरेटिव थोड़ा सा यहाँ कंट्रोल्ड है। बोट में दोस्तों एक प्रॉब्लम और है जो थोड़ी सी इरिटेटिंग है। ज़्यादा वॉल्यूम पे क्या होता है कि बोट के ड्राइवर से, सबवूफर के ड्राइवर से एक अजीब सी आवाज़ आने लगती है, मतलब एक भरभराने की जैसी आवाज़ आने लगती है, और यहाँ वो चीज़ बोट को ज़रूर फिक्स करनी चाहिए सिस्टम के अंदर। जैब्रोनिस में जबकि उसी वॉल्यूम लेवल पे बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए नहीं मिली, इट इज़ अ गुड थिंग। तो इन कंक्लूजन बेस के बारे में दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि बोट क्वांटिटी वाइज जैब्रोनिस से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी से कॉम्प्रोमाइज़ के साथ भी आता है। यहाँ आपको इसको लेते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जैब्रोनिस की क्वालिटी इज़ रियली रियली इंप्रेसिव। अब मैं आ जाता हूँ डायरेक्ट वोकल्स पे। देखिए वोकल्स अगर मैं सबवूफर को बंद कर दूँ ना दोनों को, तो वोकल्स लगभग दोनों के सेम ही है। मैंने मतलब बेस को जब जीरो करके सुना तो लगभग सेम सेम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हो सकता है कि लगभग सेम ड्राइवर होने की वजह से हो या कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन क्योंकि जब आप बेस बढ़ाओगे तो बेस की क्लैरिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि वोकल्स को डिस्टर्ब करेगी इसमें, बोट का जो बेस है कुछ नीचे रहा है ऐसा उसका, लेकिन जैब्रोनिस में बेस अच्छा होने की वजह से वोकल्स ज़्यादा अच्छे समझ में आते हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है। तो मैं बोलूँगा कि मूवी वूवी देखते टाइम वोकल्स अच्छे समझ में आ रहे थे मुझे पर्सनली जैब्रोनिक्स के। हाइज़ की बात करें तो हाइज़ की तो मैं दोस्तों क्या ही बात करूं कि इन सिस्टम्स के अंदर हाइज़ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, ना जैब्रोनिक्स की ना बोट की। तो मैंने तो जितनी बार भी यूज़ किया हाइज़ को ज़ीरो करके यूज़ करा, और मैं भी आपको यही एडवाइस करूँगा सिस्टम को लेते हैं स्पेशली मूवी के टाइम पर हाइज़ को ज़ीरो रखें तो डायलॉग थोड़े अच्छे समझ में आएंगे आपको। दोस्तों फाइनल कंक्लूजन पर आ जाते हैं, क्लैरिटी आपको अच्छी चाहिए, वोकल्स थोड़े अच्छे समझ में आए, बेस में टाइटनेस चाहिए, बेस की क्वांटिटी थोड़ी कम भी चलेगी तो चलेगा आपको, तो आप जैब्रोनिस ले लीजिए। लेकिन आपको बूम बूम करने वाला पर बेस भी चाहिए, थोड़ा सा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, या बोट के फ़ैन हो तो आप बोट को ले लीजिए, आपके लिए बोट ठीक रहेगा, है ना। अगर मैं बात करूँ डॉल्बी डिजिटल की, देखिए दोनों ही डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करते हैं, दोनों में सराउंड स्पीकर मिल जाते हैं, तो डॉल्बी डिजिटल का जो एक इफेक्ट होता है मूवीज़ के अंदर, वेब सीरीज़ के अंदर, लगभग दोनों के अंदर सेम है। तो यहाँ तो कोई बात है नहीं कि इसका ज़्यादा अच्छा है या उसका ज़्यादा बुरा है, मेन चीज़ यहाँ ऑडियो क्वालिटी की है। मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जितना मुझसे हो सकता था, बाकी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप मुझसे पूछ सकते हैं, हर जगह मैं अवेलेबल हूँ। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अभी के लिए मैं चलता हूँ।